लोगों को क्या कह रहे हैं सुना। महंगाई से मुक्ति दिलाने के लिए, किसान को और समृद्ध बनाने के लिए, माता बहनों को महिला जो हमारी माता बहनें हैं उनको और महिला सशक्तिकरण के लिए, युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए, उनको सरकारी नौकरियों के लिए, इन सब के लिए जो भी काम हमारी सरकार कर रही है उसके लिए कांग्रेस पार्टी धन्यवाद देना चाहती है। और मैं आग्रह करना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के कार्यकारिणियों में जाइए, वार्ड में जाइए, मोहल्लों में जाइए, हमारी सरकार ने जो बजट दिया है, जो फ्लैगशिप योजनाएं दी हैं, उनका लाभ ठेठ ढाणी में अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति को भी मिले, ये सुनिश्चित कीजिए। हम जीतेंगे, चाहे प्रधानमंत्री जी कितनी बार आए, चाहे अमित शाह कितनी बार आए, चाहे नड्डा जी कितनी बार जाए, ये तो गए थे ना, कर्नाटक भी गए थे, हिमाचल भी गए थे, लेकिन लोगों ने कहा कि अब मन की बात से हमारा जो है वो जी उब गया है, हम मन की बात नहीं सुनना चाहते, हम देश के प्रधानमंत्री जी काम की बात सुनना चाहते हैं। और काम की बात अगर कोई राजस्थान में कर रहा है तो यहां पर अशोक गहलोत और कांग्रेस की सरकार कर रही है, इसलिए ये बात हमको कहनी पड़ेगी। आज देश के प्रधानमंत्री जी ने बोला कि मोदी के अलावा किसी ने भी किसानों का भला नहीं किया। अरे देश के प्रधानमंत्री जी, आपसे करबद्ध निवेदन है कि कम से कम चरण सिंह जी को जो किसान मसीहा मानता है उनकी बात कर लेते। आपकी पार्टी के वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने जो किया उसकी बात कर लीजिए, केवल अपनी और अपने मन की बात करके आप लोगों को बिल्कुल खुश नहीं कर सकते हो। इसलिए मैं तो इतना ही निवेदन करूंगा, मुख्यमंत्री जी को बोलना है, ज्यादा नहीं बोलूं, आप सब लोगों को कहीं भी कोई भी दिक्कत आए और नजदीक में आपके कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता पदाधिकारी दिखे तो आपकी समस्या बताइए, हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे, आपको जितनी सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ पूरी तरीके से मिले, आप खुशहाल रहें, समृद्ध बने, ताकतवर बने, आगे बढ़ें, और विजन 2023 के तहत हम हिंदुस्तान में राजस्थान राज्य को नंबर वन राज्य पूरे हिंदुस्तान में बनाएं, इसी मिशन के तहत काम करेंगे। आप सब पधारे, मुझे भी यहाँ बुलाया गया, बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी और सरकार का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।